फ्रेंड्स, एक और पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का एक नया पार्ट लेकर आप लोगों के लिए हम हाजिर हो गए हैं। और आज भी एक अनोखा ही कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह से धीरे धीरे आप टेक्निकल एनालिसिस के सारे गुण सीखते हुए एक न एक दिन सुपर ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न लाए हैं उसका नाम है डोजी। वैसे तो डोजी कई प्रकार की होती है, लेकिन खास मेन तीन डोजी हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं और हमेशा इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। वो तीनों डोजी कौन कौन सी है? एक तो मेन डोजी, इसे डोजी कहते हैं। दूसरा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है और तीसरा होता है ग्रेव स्टेन डोजी। अब ये तीनों किस तरह के होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं वो हम देखते हैं। अब जो ये मेन डोजी है वो इस तरह से दिखती है। अब ये देखने से क्या पता चलता है कि इसका जो ओपन हुआ है इस कैंडल का वो ही क्लोज है, मतलब ओपन इक्वल टू क्लोज, इसे डोजी कहते हैं। और अगर इसमें थोड़ा एक दो पॉइंट का डिफरेंस है, छोटी मोटी थोड़ी भी बॉडी बनी है, तो उसे भी हम डोजी ही कहेंगे। जैसे कि ये डोजी, इसमें क्या होता है कि इसकी विक बॉडी से काफ़ी बड़ी होती है और इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है, तो इसे भी हम डोजी ही कहेंगे, ये चाहे ग्रीन हो या रेड। अब इस डोजी पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, इस डोजी से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से ये हमें ट्रेडिंग में हेल्प करेगी वो देखते हैं। ट्रेड आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये डोजी में दोनों तरफ विक लंबी है और बॉडी छोटी है, इसका मतलब सेलर्स और बायर्स दोनों तरफ से खींच रहे हैं इसको और इसका कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा। तो ये डोजी जब भी आएगी तो आपको ये बताएगी कि अभी मार्केट का कोई पक्का नहीं है कि ये किधर जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है दोस्तों, ये डोजी जब भी मिलती है, और ऐसे चार पांच अगर डोजी मिल गई तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस होते हैं। और ये कैसे, अगर आपको दो चार डोजी मिल गई है ना, जैसे ये डोजी बनी, ये डोजी बनी, ये डोजी बनी, इसकी छोटी मोटी बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अगर तीन चार पांच मिल गई और कहीं पे भी इसका ब्रेक हुआ ऊपर नीचे, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ऊपर होता है तो बाय साइड के लिए और नीचे होता है तो सेल साइड के लिए। तो ये डोजी हमें बताती है, अगर डोजी का ब्रेकडाउन होता है तो हमको पक्का सिग्नल मिल जाता है बाय या सेल का। अगर ऊपर ब्रेकडाउन होता है तो बाय का सिग्नल मिलता है, ऐसे लगा लेंगे हम लो पर, और नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो सेल का सिग्नल मिलता है और ऐसे लगा लेंगे हाई पर। तो फ्रेंड्स, ये हम समझ गए कि डोजी की साइकोलॉजी ये है कि डोजी जब भी बनती है तो मार्केट के दोनों तरफ से खिंचाव है, सेलर्स भी हावी है और बायर्स भी बराबर संख्या में। अब कहाँ जाएगा कुछ डिसीजन नहीं है, तो इनडिसीजन कैंडल भी इसे बोलते हैं। लेकिन डोजी के बाद में जो कैंडल बनती है वो हमें एक डायरेक्शन दे देती है। तो डोजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के लिए। अब हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरह से होता है, एक तितली की तरह, तितली ने जैसे पंख फैला दिया और ये तितली की बॉडी हो, इसीलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई रखा गया। तो ये कैसा वर्क करता है, जब भी डाउन ट्रेंड में हमको डाउन ट्रेंड में ये डोजी मिलता है ड्रैगन फ्लाई, उसके नेक्स्ट से ये रिवर्सल हो जाता है बिल्कुल हैमर की तरह। हैमर में तो बॉडी होती है लेकिन इसमें बॉडी नहीं होती है, लेकिन वर्क ये हैमर की तरह ही करता है कि जब भी डाउन ट्रेंड में आपको ड्रैगन फ्लाई मिलता है तो नेक्स्ट कैंडल से वो मार्केट अप हो जाता है। तो जब भी आप ऐसा कंडीशन मिलता है आपको, तो आप जहाँ पे बाय कर रहे हैं इस डोजी के नीचे में आप ऐसे लगा सकते हैं। अब इसकी साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट यहाँ तक आया और नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद में क्या हुआ कि बायर्स हावी पड़े और इसको उठाकर यहाँ तक लेकर आए। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स का जोर बढ़ने वाला है, तो नेक्स्ट कैंडल से ये अब अपसाइड में चला जाए। अब देखते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है। ग्रेवस्टोन डोजी बिल्कुल
ड्रैगन फ्लाई के उल्टा होता है। जैसे कोई कब्र हो और उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता है, नाम वगैरह लिखते हैं ना, उसको ग्रेव स्टोन बोलते हैं। तो बिल्कुल ये वैसा ही दिखता है कि ये कब्र है, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया है। तो ये कैसा वर्क करता है? ये बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह वर्क करता है। जब भी मार्केट अपसाइड में और ऊपर में ये मिल जाता है तो नेक्स्ट कैंडल से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल में हम सेल कर सकते हैं। एसएल लगा देंगे इसके हाई पर। अब इसकी साइकोलॉजी भी ऐसे ही है कि मार्केट ने अप तो दिया लेकिन यहाँ ऊपर तक जाकर क्या हुआ, सेलर्स का जोर बढ़ा और उसे नीचे की ओर दबा दिया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। फ्रेंड्स, देखते हैं चार्ट में कैसे डोजी हमको मिलता है और कैसा काम करता है। ये देखिए, यहाँ पे हमें एक डोजी मिला है जिसके लो और हाई पे हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसका ओपन और क्लोज एकदम जीरो है, ये क्लियर डोजी है। तो देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट देता है और स्टॉप लॉस नीचे लगा लिया है। तो और एक हमको दूसरी डोजी भी मिल गई, इसका भी हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जहाँ ब्रेकआउट मिलता है हम सेल किए, ये देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। तो डोजी हमको इंडिकेट करता है इनडिसिशन है, लेकिन डोजी के बाद में जो कैंडल बनती है, ब्रेकआउट मिलता है, उसमें हमको ट्रेड मिल जाता है। अब देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो वो हमको डाउन ट्रेंड में मिलती है। ये देखिए यहाँ पे हमको एक मिली है, इसकी ऊपर भले ही वीक ना हो, कभी कभी रहती है कभी नहीं भी रहती है, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो ये देखिए ये बिल्कुल हैमर की तरह काम करती है। जैसे ही ये मिली, एक ग्रीन कैंडल मिली हमको और फिर ये देखिए डाउन आया, फिर एक डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली है। इसकी थोड़ी सी बॉडी भी है लेकिन चलेगा, इसने भी काम वैसा ही किया है जैसा हैमर करता है और ये ऊपर की ओर मार्केट चला गया और ये हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं ग्रेव स्टोन डोजी को। तो ग्रेव स्टोन डोजी किस तरह से काम करती है, ये हमको अप ट्रेंड में मिलना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन आया, फिर ऊपर गया एक ग्रीन कैंडल के और उसके बाद एक मिल गई ग्रेव स्टोन। ये बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह काम करती है। हम एसएल ऊपर लगा लेंगे और ये बढ़िया सा प्रॉफिट हमको यहाँ बुक हो जाएगा। तो दोस्तों बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है डोजी को और इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। तो हमने आज डोजी कैंडल जाना है, नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न भी लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट जीरोधा अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग में नहीं है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको अपने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो हर संडे को दोपहर 1 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो ज्वाइंट बटन है वहां से आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट्स भी जरूर कर देना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहे, आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।